समस्तीपुर जिले के लखनीपुर महेशपट्टी में एक दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से आए किसानों को खेती किसानी के गुर विशेषज्ञ द्वारा बताया गया। वहीं प्रगतिशील किसान एवं पूर्वी जिला परिषद सदस्य फूलबाबू सिंह ने बताया कि कम लागत में अच्छी फसल कैसे उपजाई जाए। और इसमें एक नए टेक्निक के जरिए 3 यूनिट किया गया है, एक मल्टीपर्पज जिसमें साल भर खुला रहता है, उसमें किसान अपना तरह तरह की फसल का प्रोडक्ट उसमें रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। जैसे चुकंदर हुआ, गाजर हुआ, सीजन में 5-6 रुपये किलो होता है, वही अन सीजन में जाके वो 30 रुपये तक हो जाता है। तो किसान चाहे तो 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके लिए हमने मल्टीपर्पज, जो बिहार का ये पहला है मल्टीपर्पज, कि किसान को नॉलेज नहीं होने के कारण बेचारे को नहीं होता, इसलिए हम इस मीटिंग के जरिए, सम्मेलन के जरिए, एक बंगलोर की पार्टी है इरगोस कंपनी के, उनको इनवाइट करके बुलाते हैं और उनको एजुकेट करते हैं कि कैसे कमा सकते हैं किसान। और दूसरे नया, उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में किसान का सिर्फ अब आलू ही नहीं रखा जाएगा, बल्कि अब चुकंदर, नारंगी, मूली जैसे अन्य फलों एवं सब्जियों को भी रखने की व्यवस्था की गई है। जैसे कि ऑफ सीजन में मात्र 6 रुपये किलो चुकंदर बाजार भाव से खरीद कर समय रहते किसान कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए, उसके बाद बाजार में उस चुकंदर की अच्छी कीमत मिलेगी। बाजारों में उसकी कीमत समय के अनुसार 30 से 40 रुपये भाव आसानी से मिल सकता है। वहीं किसान सेवा कोल्ड स्टोरेज के संचालक काजी शकील एकता ने बताया कि बिहार का एकमात्र किसान सेवा कोल्ड स्टोरेज है, जहां आलू से लेकर फलों तक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस सम्मेलन में किसानों के बीच लॉटरी निकालकर दर्जनों किसानों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में समस्तीपुर प्रखंड के मोरडीवा गांव के नरेश राय को साइकिल दिया गया। वहीं 12 किसानों को पुरस्कार के रूप में स्प्रे मशीन दिया गया। BNP न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। देखिए, अभी तो किसान, पूरे बिहार के किसान काफ़ी परेशान हैं। बिहार में किसान खेती करके नुकसान झेलते हैं, साल दो साल पर उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ज़मीन बेचना पड़ता है, बेटियों की शादी के लिए ज़मीन बेचना पड़ता है। बिहार की सरकार, चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, किसी पार्टी की सरकार रही हो, वो सरकारें कभी भी किसान का हित कैसे हो इसके बारे में नहीं सोच पाती है। देखिए, बड़ी समस्या यह है कि बिहार के कृषि को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार के 3800 जिला को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर कहां कौन जिला विशेष खेती के लिए वहां किया जा सकता है और उसको, उसके खेती के जो उत्पाद है उसको मार्केट कैसे उपलब्ध कराए, ये गारंटी जब तक बिहार की सरकार नहीं करेगी तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। और बिहार के किसान छटपटा रहे हैं, परेशान हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसानों की समस्या जहां है वहीं की रह जाती है। क्या नाम है? बाबू सिंह, भाकपा माले, जिला स्थायी कमेटी सदस्य, समस्तीपुर।